हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं तुलसी की माला की कलेक्शन। अब आपको दिखाएंगे तुलसी की माला। ये देखो, तुलसी की माला धारण करना बड़ा शुद्ध और बहुत हिंदू रीति रिवाज से बहुत पवित्र माना गया है। ये देखो, ये 104 मोती थे एक आंटी जी आदि हमारे पास, उन्होंने ये ऑर्डर बनवाई थी। ये 52 मोती उनके पास थे तो हमने उनकी माला बनवाई। ये देखो, आगे पीछे कैप लगा के उसके अंदर तार, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। जैसे कहते हैं ना बगैर टांगे की, ये बगैर टांगे वाली तुलसी की माला है। इसके अंदर कोई टांगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो, सीधा पुराई करी हुई है। ये देखो, आगे पीछे कैप लगा के और मशीनी कटिंग वर्क कर रखा है इसके ऊपर। ये देखो, खरबूजा कटिंग जिसे हम बोलते हैं। ये देखो, और कुंडे से कुंडे बांध के उसे गुथाई कर रखी एक तरह से। ये देखो, बहुत बेहतरीन डिजाइन है। ये देखो, तो वो कह रहे थे कि अपने एक मेरे लिए बना दे, एक अपने अंकल के लिए बना दे। तो कह रहे कि तुलसी की माला अपने पास से ले लेना। तो मैंने उनके लिए तुलसी की माला हमने उनकी खरीदी है। और ये जो बाकी मोती बचे हुए हैं, बाकी ये देखो, मैंने तुलसी की माला लगाई हुई है। देखो, बहुत बेहतरीन डिजाइन है, सेम डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो, बहुत यूनिक है, बहुत बेहतरीन डिजाइन है, कोई टांगे का काम नहीं है। लगभग 13-14 ग्राम के आसपास एक पीस है। ये देखो, और तुलसी की मोती इसके अंदर लेस हो जाएंगे। ये टोटल वेट इसका 16 ग्राम के आसपास है और 2 ग्राम 600 कुछ मिले इसके अंदर बीट्स है मोती के। 13 ग्राम 400 करीब इसके अंदर गोल्ड है, सारा हॉलमार्क गोल्ड है, HUID है। ये देखो, आपको पता है कि तुलसी बड़ी पवित्र और शुद्ध मानी जाती है। तुलसी का पौधा भी घर लोग घर पे लगाते हैं, तो तुलसी की पूजा भी करते हैं। और लड्डू गोपाल कृष्ण जी की तुलसी पे देव उठान 11 जो दिवाली के 11 दिन बाद आते हैं, देव उठान 11 जिस दिन से साय चालू होते हैं, अंशु साय होता है उस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कृष्ण जी का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। ये देखो, बहुत बेहतरीन और बहुत शुद्ध है। ये देखो, बहुत गजब की माला है। ये देखो, इसे पहनने से मन शांत रहता है, कोई बुरे ख्याल नहीं आते, शांत गुस्सा शांत हो जाता है। ये देखो, बहुत उच्च विचार आते हैं। जुखाम खांसी होता है तो उसमें काढ़ा बना के पीते हैं, तुलसी के पत्ते चाय में डाल के तुलसी की चाय पीते हैं, या लड्डू गोपाल जी भोग लगाते हैं तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तुलसी बड़ी शुद्ध और पवित्र मानी गई है। लोग सुबह शाम तुलसी की पूजा भी करते हैं, जोत जलाते हैं, और तुलसी के पौधे को लाल कपड़ा लगा के उसको एक तरह से उसका आँचल ढका जाता है एक तरह से। ये देखो, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये देखो आप इसको, और ज़्यादा वेट भी नहीं है। ये देखो, डेली इसको आप पूजा भी कर सकते हो या जाप माला के उसमें यूज़ भी कर सकते हो। तुलसी कई प्रकार की आती है, काली भी आती है, वाइट भी आती है। ये हमने काली इसलिए लगाई है ताकि इसके अंदर गोल्ड ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो शाइन करे। ये देखो, क्योंकि वाइट के अंदर गोल्ड लगाते हो शाइन नहीं करता। वाइट वाली इसलिए लगाते कि वो ग्लो नहीं करती, इसके अंदर ब्लैक है। और उनके आंटी की हमारी जो ये बीड्स है वो उन्हीं के थे, एक बीड्स की माला के बीड्स उनके थे, दूसरी बीड्स जो है हम लेके आए हैं उसके जो बाकी बचे ये मोती हैं। ये देखो, इसका ब्रासलेट भी बनवा सकते हो तुलसी का, यानी एक सेट बन जाएगा, चैन और ब्रासलेट। ये देखो, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत यूनिक है। और दोनों की माला का वेट अप्रॉक्स 27-28 ग्राम के आसपास है, सारा हॉलमार्क गोल्ड है, बगैर टांके, कोई इसमें टांका यूज़ नहीं किया हुआ, सारा इसके अंदर तारों से पुराई की हुई है, इसके अंदर सारा मजबूत है, सारा हॉलमार्क गोल्ड है। ये देखो, बहुत बेहतरीन डिजाइन है, बहुत यूनिक है। और तुलसी वैसे बड़ी पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, लोग तुलसी का काढ़ा वगैरह पीते हैं, चाय की पत्ती में डाल उसमें चाय में डालते हैं, और जुकाम खांसी में यूज़ करते हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी का उसमें डाल के जब वो लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण करते हैं। और जो दिवाली की 11 दिन बाद देव उठान 11 शादी है, उस पर भी अंशु शादियाँ होती है तो उसके अंदर यूज़ करते हैं। दोस्तों, कैसे लगे आज के हमारे तुलसी की माला की कलेक्शन? आज हमारे सारे नई नई कलेक्शन में तुलसी की माला थी, इनका दोनों का वेट 27 ग्राम के आसपास है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। वाओ!